बिग बॉस ओटीटी के लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड को लेकर एक बार फिर आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कुल 4 सदस्य जो है वो नॉमिनेट हुए हैं, यानी कि 2 कनेक्शन जो है नॉमिनेट हुए हैं। और इस हफ्ते की नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी बेहद ही खास रही, और इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद प्रतीक सहजपाल और नेहा भसीन जो कि कनेक्शन बन चुके हैं, इनकी जोड़ी नॉमिनेट हुई है। और दूसरी जो जोड़ी है अक्षरा सिंह और मिलिंद गाबा की जोड़ी जो है वो नॉमिनेट हुई है। अब इस नॉमिनेशन में, इस लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में कौन निकला सबसे आगे, कौन रह गया सबसे पीछे, किसे सबसे वोट मिले और किस पर इविक्शन की खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है, ये सारी की सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में सबसे पहले आपको बता दें नंबर 1 के पोजीशन पर कौन है। तो यहां पर नंबर 1 के पोजीशन पर हैं प्रतीक सहजपाल, और इन्हें कितने प्रतिशत वोट मिले, तो इन्हें 100 में से 43% जो है इन्हें वोट मिले। प्रतीक सहजपाल काफी अच्छा कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरे पोजीशन की अगर हम बात करें तो दूसरे पोजीशन पर आती हैं उनकी पूर्व पार्टनर, प्रतीक सहजपाल की पूर्व पार्टनर अक्षरा सिंह आती हैं, जिन्हें 42% वोट मिले हैं। प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह जो हैं बिग बॉस ओटीटी के घर में काफी अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए इन दोनों के बीच में वोटों का जो अंतर है, वोटों का जो फासला है, मात्र 1% का है। इसका साथ ही साथ तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आते हैं अक्षरा सिंह के प्रेजेंट पार्टनर मिलिंद गाबा, जिन्हें 12% वोट मिला है। और मिलिंद गाबा को धोखा देने की वजह से नेहा भसीन को घर से बेघर करना चाहते हैं ऑडियंस, और इसी वजह से नेहा भसीन को मात्र 3% वोट मिला है। तो यह है लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। प्रतीक सहजपाल नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर अक्षरा सिंह है, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मिलिंद गाबा है, और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो नेहा भसीन है। तो ये कुछ इस तरह से लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आई है सामने। अब इनमें नेहा भसीन हो सकती हैं इविक्ट, अब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।